थैंक यू चलो भाई चलक भाई थैंक यू मॉर्निंग गाइस। सो गाइस आज फाइनली राइड पे जा रहे हो एंड आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसा लोकेशन में जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब मैंने पहले भी गया था, जो मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर उन लोगों को मालूम है ग्रासलैंड करके एक जगह है बोगावाटी के साइड में। सो आप लोगों को दिखाऊंगा, आज नहीं बोलूंगा कि कैसा व्यू है एंड कैसा इच एंड एवरीथिंग है, मैं उधर गया हूँ। सो बहुत अच्छा व्यू है गाइस, सो आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस मेरा जो न्यू सब्सक्राइबर है उन लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ आज, आप लोग को दिखाऊंगा। सो गाइस बोलना कैसा लगा लोकेशन एंड अभी जाता हूँ टुवर्ड्स द मीटअप पॉइंट। सो गाइस लेट्स गो। तो गाइस मैं फाइनली आ गया मीटअप पॉइंट पे। ये हम लोग का आज मीटअप हम लोग घर के सामने ही है, आज ज़्यादा बाइक नहीं है। ये मानोज दा का हम लोग का 900 फिर आप लोग का गोब्लिन, फिर एक स्कूटी जाएगा हम लोग के साथ। सो गाइस चलते हैं टुवर्ड्स द लोकेशन। सो गाइस लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स द लोकेशन। गाइस आज ज़्यादा लाइनअप नहीं है, ये 900 मनोज भाई का फिर मेरा एक और एक स्कूटी जा रहा है हम लोग के साथ। सो आज जा रहे हैं टुवर्ड्स ग्रासलैंड, आप लोग को दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लोकेशन है गाइस मेरा, मतलब मैं जब KTM से ब्लॉगिंग करता था धन्नो के साथ, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है जैसे कि बोल दिया था उन लोगों को मालूम होगा। सो आज आप लोगों को दिखाऊंगा एंड जो लोकेशन में जा रहा हूँ गाइस आज बहुत मतलब बहुत शानदार लोकेशन है वो। सो गाइस देखते रहे वीडियो लास्ट तक एंड गाइस आज का जो वेदर हुआ है मतलब बहुत शानदार वेदर है, मतलब आज धूप ही नहीं है। ऐसा वेदर हर रोज होना चाहिए, देखिए गाइस धूप है ही नहीं, मतलब बारिश भी नहीं है धूप भी नहीं है। सो गाइस एवरी राइड में अगर ऐसा वेदर हो तब तो मज़ा ही आ जाए राइड में। एंड गाइस ये आ गया हम लोग का ब्रह्मपुत्र का ब्रिज। सो गाइस थोड़ा पेल्टे है। सो गाइस इस साइड में इसलिए मजा आता है, मतलब रोड पूरा खाली रहता है, मतलब पहलने में बहुत मजा आता है। और हम लोग का गुवाहाटी साइड में तो मालूम ही है ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सो गाइस आज का वीडियो देखते रहे, आज जो लोकेशन में जा रहे हैं बहुत अच्छा लोकेशन में जा रहे हैं। सो गाइस देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाना, मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना गाइस। आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट करते रहिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस इसे सपोर्ट करते रहिए। एंड गाइस अभी थोड़ा आराम से जा रहा है क्योंकि एक स्कूटी भी है पीछे। सो गाइस जैसे कि आप लोग को बोल रहा था राइड पे हम लोग के साथ सब आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सुपर बाइक ही आ सकता है। सो गाइस सब बाइक आ सकते हैं हम लोग के साथ, आज तो स्कूटी भी आ गया आप लोग को दिखा दिया। एंड गाइस एक ब्रेक लेगा क्योंकि ब्रेकफास्ट करके तो नहीं आया है। सो ब्रेकफास्ट करने कहीं रुकेंगे, देखते हैं गाइस कहाँ रुकते हैं हम लोग। एंड गाइस इस रोड में आने का यही मजा है, मतलब ये रोड पूरा खाली रहता है, मतलब ट्रैफिक तो दूर की बात, इधर गाड़ी नहीं रहता। देखिए गाइस दूर दूर तक गाड़ी ही नहीं है, एक दो दिखाई पड़ता है, मतलब पूरा खाली रहता है। सो गाइस थोड़ा पेल्टे है। एक ही डर लगता है गाइस, कहां कहां से आदमी निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता है। सो गाइस पेल्टे टोल प्लाजा ही आ गया। अभी हम लोग का टेंशन नहीं है गाइस, हम लोग साइड से चला जाएंगे क्योंकि हम लोग का बाइक है। खींचो खींचो। तो गाइस एस इजवेल सुपर बाइक फैन मिल गया इधर भी। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह का जगह पे, मतलब मुझे भी नाम मालूम नहीं है क्या नाम है इसका। सो हम लोग अभी जाएंगे भीतर से और इधर देखिए बिन बारिश का पानी ये साहब। सो गाइस इसको देखिए क्या कर रहा है ये बांधव दे रहा है इधर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर से।
सो गाइस हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह का जगह पे, मतलब हाईवे ख़त्म हो गया, अभी हम लोग जाएंगे गांव के बीच से थोड़ा टूटा फूटा रास्ता के साथ। गाइस हम लोग जाएंगे गोरेश्वर साइड, मतलब सीधा इधर जाता है मंगल डोय, तो हम लोग जाएंगे सीधा। सो गाइस हम लोग रुके हैं कुछ इस तरह का जगह पे, मालूम नहीं क्या नाम है, तो हम लोग थोड़ा देख लेंगे अभी। ये हम लोग का लाइनअप, ये मनाजदा का डिनर, फिर आप लोग का गोबली। तो गाइस देखते हैं अंदर क्या मिलते हैं, तो खाकर हम लोग निकलते हैं। गाइस भाई लोग खा रहा है चाय पूरा, ये एक छोटू हम लोग का, ये मनाजदा। सो हम लोग आज सारे राइडर है, मतलब एक पिलियन है, ये मेरा साथ मेरा भाई पिलियन है, बाकी हम लोग जा रहा है टू अदर लोकेशन साथ आकर सापी कर सॉरी। सो गाइस देखते रहिए। सो गाइस हम लोग इधर से निकल रहे हैं, मैं चलाऊंगा मानस भाई का G900। सो गाइस ऐसा लग रहा है पूरा कुछ चला ही नहीं रहा है, नहीं कि पूरा लो हो गया साउंड, ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल बाइक चला रहा हूँ। देखिए गाइस, सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पनारा। सो गाइस इस जगह का नाम है पनारा, और मैं चला रहा हूँ मानस भाई का बाइक विथ स्टॉक एग्जॉस्ट। एंड गाइस आगे मानस भाई को पूछेंगे कैसा लग रहा है गोब्लिन को चलाकर। सो गाइस जस्ट चेक द व्यू, देखिए गाइस व्यू देखिए एक बार कितना सेक्सी लग रहा है, देखिए गाइस देखिए, बोला था ना गाइस अच्छा अच्छा व्यू दिखाऊंगा, और अभी तक तो लोकेशन तक पहुंचा ही नहीं है। एंड गाइस उधर तो और अच्छा व्यू है। सो गाइस हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लिया है इस तरह का जगह पे, गाइस ये देखिए लोकेशन, ये आप लोग का गोब्लिन, फिर मानस भाई का दिखा दिया। सो हम लोग थोड़ा रुके हैं, मतलब बहुत गर्मी गिरा है, थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया है, फिर जाएंगे लोकेशन पे। गाइस तो गाइस देखते रहे, बहुत अच्छा लोकेशन मिलने वाला है, जैसे कि आप लोग को दिखा दिया अभी तक बहुत अच्छा लोकेशन दिखा दिया। सो अभी आगे जा रहे हैं और अच्छा लोकेशन मिलेगा गाइस, तो गाइस देखते रहिए। हिंदी में बोले, हिंदी में ऐसा मुझे समझ में, थोड़ा हिंदी में बोलिए। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे चलाकर मतलब स्टॉक और उसमें बहुत डिफरेंस है, तो वो चलाकर अभी मुझे सुपर बाइक चला फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये एरो तो पहले से बहुत लाउड है। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ गोब्लिन में, साउंड मैटर करता है अभी मालूम चलता है गाइस, अभी पूरा फील आ रहा है कि चला रहा हूँ, मतलब स्टॉक में आराम लगता है, और जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होता है वो पूरा फील देता है गाइस सुपर बाइक का। सो गाइस अभी थोड़ा आप लोग सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोरेश्वर, मतलब इस जगह को बोलते हैं गोरेश्वर। ये गोरेश्वर का मेन चौक है, मतलब मेन पॉइंट गोरेश्वर का। गाइस इधर का रोड बहुत ख़राब हो गया पहले से, मतलब पहले बहुत अच्छा था जब मैं आया था, अभी बहुत ख़राब हो गया है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह का जगह पे, देखिए व्यू देखिए, देखिए गाइस इतना शानदार व्यू है। आज जो लोकेशन में जा रहा हूँ, अगर उधर वातावरण अच्छा मिल गया पानी, तब तो मुझे कौन रोक सकता है नहाने के लिए, जो गर्मी लग रहा है अभी। ठीक है तब धूप नहीं था, अभी पूरा धूप निकला हुआ है, मतलब पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। सो आई होप गाइस इस बार वाटरफॉल अच्छा रहे। गाइस ये आएगा डाइवर्सन, मतलब इधर से जाता है बोगामाटी और लेफ्ट जाता है ग्रासलैंड। सो हम लोग जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ग्रासलैंड। एक ग्रासलैंड, ग्रासलैंड कहाँ से जाता है? हाँ ग्रासलैंड, हाँ। सो गाइस डायरेक्शन पूछ लेना अच्छा होता है, थोड़ा भूल गया डायरेक्शन। सो गाइस अभी होगा ऑफ रोडिंग स्टार्ट, ये रास्ता चेंज ही नहीं हुआ गाइस, पहले जैसा था ऐसा ही है। सो गाइस अभी थोड़ा ऑफ रोडिंग करते करते थक गए, अब थोड़ा पहलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पूरा जंगल के बीच से जा रहा है पूरा, और पहुंचने वाला है लोकेशन में फाइनली गाइस। सो गाइस ये आ गया ग्रासलैंड का ऑफ रोडिंग।
ये देखिए गाइस, सुपर बाइक से फुल टू ऑफरोडिंग चल रहा है अभी। देखिए फुल टू ऑफरोडिंग। सो गाइस ये देखिए आ गया लद्दाख। पूरा फुल ऑफरोडिंग हो गया गाइस, आज ऑफरोडिंग एडवेंचर सब हो गया। देखिए गाइस आ गया टू द लोकेशन ग्रासलैंड। एंड देखिए गाइस रास्ता देखिए। तो गाइस जस्ट चेक इट आउट, अभी हम लोग जाएंगे नीचे। थैंक यू जालुकबारी थैंक यू So guys, bas. So guys, super bike का craze, इसे बोलते हैं super bike का craze guys. जल्दी फाइनली हम लोग लोकेशन पे आ चुके थे एंड दिस इज द व्यू। देखिए गाइस फुल टी ये लोग हम लोग का बाइक में फोटो खींच रहा है ये सब भाई लोग। सो यस द लोकेशन देखिए गाइस। सो गाइस व्यू चेक कीजिए एक बार भाई लोग। सुपर बाइक फ्रेंड कैसा लगा बाइक? अच्छा लगा। कैसा लगा? मजा। दिस इज द व्यू, ऊपर से धूप नहीं है, मतलब इतना सुंदर लग रहा है क्या बोलूं गाइस। देखिए अभी मैं जाऊंगा पानी में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है मैं पानी देखकर पागल हो जाता हूं। सो गाइस अभी मैं जाऊंगा पानी में। सो गाइस लेट्स गो। गाइस फाइनली वी आर इन द प्लेस। देखिए गाइस व्यू देखिए, ये देखिए मानव दाई है। सो गाइस व्यू देखिए एक बार, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए गाइस सो गाइस तो मजा आ रहा है पानी के बीच में, हवा आ रहा है इधर। देखिए गाइस फुल टू एंजॉय गाइस, इधर वो बहुत पीछे ब्लॉगिंग कर रहा है भाई, ये मानो जा इधर। तो गाइस मैं इधर सोते हुए पानी में। देखिए गाइस क्या मजा आ रहा है, व्यू देखिए एक बार। तो गाइस ऐसा व्यू मिलने से अच्छा लगता है, इतना लॉन्ग राइड करके अगर ऐसे पानी मिल गया तो मजा आ जाता है राइड का पूरा। तो गाइस फाइनली हम लोग इस प्लेस से निकल चुके हैं, हम लोग जा रहा है ठीक है। दिया नाइस टू मीट यू ठीक है बाय बाय। हाँ फिर से रुका दिया गाइस, पूरा मत मानना प्लीज, एक बार टॉप के क्लिक करना है आपके साथ। हाँ कीजिए। अरे तो गाइस जैसे कि आप लोगों को दिखा दिया, मतलब इतना रुकाया उधर। सो फाइनली उधर से निकल आया, अभी जा रहा हूँ टू वॉच घर।
मतलब घर नहीं है, कहीं रुकेगा, मतलब पेट पूजा करने भी जरूरी है। मतलब सो अभी तक कुछ खाया नहीं, सो कहीं पे रुकेंगे, थोड़ा पेट पूजा करेंगे। सो गाइस फाइनली एक रेस्टो पे रुक रहा है हम लोग, बेम्बो रेस्टोरेंट तमुलपुर। सो देखते हैं गाइस कैसा है, भूख भी लगा है, सो खा लेते हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस हम लोग आए थे बेम्बो रिसोर्ट में तमुलपुर में, और यह हम लोग का खाना आ गया भेज पूरा। सो गाइस थोड़ा थके हुए हैं, खाते हैं, खाकर आप लोग को मोटो ब्लॉग सेटअप में मिलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली उधर से खाकर निकल आया था, आकर ही मतलब थोड़ा देर के बाद ही बारिश शुरू हो गया गाइस। देखिए फुल टू बारिश हो रहा है इधर, देखिए गाइस दिस इज कॉल्ड आसाम। पहले आगे इतना धूप दे रहा था, अभी ये बारिश दे रहा है पूरा। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा बोलना कमेंट और करके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, जैसे कि आप लोगों को बोल दिया था अच्छा अच्छा वीडियो दिखाऊंगा। सो गाइस बोलना कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड मेरे चैनल में न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस आज का वीडियो इधर एंड करता हूँ, साइन इन।